दोस्तों आरआरआर की ब्लॉकबस्टर हिट के बाद हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कब एसएस राजामौली आरआरआर 2 फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे और हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस फिल्म से कोई ना कोई अपडेट तो जरूर सामने आए। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एसएस राजामौली ने तो नहीं बल्कि उनके पापा विजय प्रसाद ने आपकी दुआ कबूल कर ली है और आरआरआर 2 से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और दोस्तों ये अपडेट जानने के बाद आपको थोड़ी सी निराशा होगी लेकिन आपको मजा भी आने वाला है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और मैं आपको बताता हूं कि आखिर विजय प्रसाद जी ने क्या बताया आरआरआर 2 के बारे में। देखिए पिछले साल एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म आरआरआर ने दुनिया भर में कमाई के मामले में कोहराम मचा कर रख दिया था और रामचरण जूनियर एनटीआर एक्शन अवतार में नजर आए थे। वहीं उसके बाद से फैंस को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है और एसएस राजामौली पहले ही कह चुके हैं कि वो सीक्वल बनाएंगे। लेकिन दोस्तों एसएस राजामौली ने ये नहीं बताया कि आखिर वो सीक्वल कब तक बनकर तैयार होगा और कब इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी। लेकिन दोस्तों अब उनके पिता विजेंद्र प्रसाद जी ने आरआरआर के सीक्वल के बारे में बात करते हुए कहा है कि आरआरआर 2 की स्टोरी उनकी तरफ से बिल्कुल रेडी है, मतलब कि उन्होंने आरआरआर 2 की स्क्रिप्ट को पूरा कर दिया है। लेकिन अभी तक एसएस राजामौली ने आरआरआर 2 की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा है क्योंकि वो अभी बिजी हैं एसएसएमबी 29 की शूटिंग के लिए। और दोस्तों इस मूवी में एसएस राजामौली महेश बाबू के साथ एक बहुत ही बड़ी मूवी बनाने वाले हैं और दोस्तों एसएसएमबी 29 के बाद ही एसएस राजामौली आरआरआर 2 की स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि दोस्तों सूत्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जा रहा है कि एसएस राजामौली ने आरआरआर 2 को डायरेक्ट करने से मना कर दिया है और इस मूवी के डायरेक्शन के लिए वो एक हॉलीवुड डायरेक्टर को हायर करने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखना होगा कि क्या होता है आरआरआर 2 की कहानी में और कैसे बनती है ये फिल्म, ये तो समय ही बताएगा। बाकी दोस्तों आपको ये अपडेट जानने के बाद क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।